ओम शांति। 31 दिसंबर 2021 बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे सदा सुखी रहो, जितना याद करेंगे उतना सुख मिलेगा। यही बाप तुम बच्चों को आशीर्वाद देते हैं। प्रश्न: संगम युग पर तुम बच्चे ऐसा कौन सा शुभ कार्य करते हो जो सारे कल्प में नहीं होता? उत्तर: पवित्र बनना और बनाना सबसे शुभ कार्य है। पवित्र बनने से तुम पवित्र दुनिया के मालिक बन जाते हो। पवित्र बनने की युक्ति बाप ने बताई है कि मीठे बच्चे तुम मुझे लव से याद करो, देही अभिमानी बनो, ऐसी युक्ति सबको सुनाते रहो। गीत: किसने यह सब खेल रचाया? ओम शांति। शिव बाबा बैठ करके अपने बच्चों को सालिग्रामों को समझाते हैं। शिव बाबा को तो सब जानते ही हैं। ये भी जानते हैं कि शिव बाबा को अपना शरीर नहीं है, शिव की प्रतिमा तो एक ही है, इसमें कोई फर्क नहीं आता। उनको दिखाते ही हैं लिंग के समान, जैसे मनुष्य हैं तो मनुष्य में कोई फर्क नहीं पड़ सकता। आंख नाक कान सबको दो है, आत्मा कोई छिपी हुई चीज नहीं है, जैसे मनुष्यों की देवताओं की पूजा होती है वैसे आत्माओं और परमात्मा की भी पूजा होती है। शिव के मंदिर में जाओ तो ढेर छोटे छोटे सालिग्राम रखे हुए हैं जिनकी पूजा होती है। मनुष्यों की दो प्रकार की पूजा होती है, एक तो विकारियों की, दूसरी निर्विकारियों की। उसको कहा जाता है भूत पूजा, क्योंकि यहाँ तो शरीर कोई का भी पवित्र है नहीं, पांच तत्वों का बना हुआ है, मिट्टी का बना हुआ भूत पुतला है। मूर्तियां बनाते हैं तो भी मिट्टी और पानी मिलाते हैं, फिर उसको सुखाने के लिए धूप चाहिए, धूप भी आग का अंश है। आगे धूप से आग जलाते थे तो बच्चों को यह पता है कि निराकार की भी पूजा होती है, साकार देवताओं की भी होती है, तो मनुष्यों की भी पूजा होती है। देवता हैं पवित्र, यहाँ अपवित्र है। बाकी पूजा तो भूतों पांच तत्वों की होती है। आत्मा क्या चीज है यह मनुष्य नहीं जानते। कहा जाता है रियलाइज योर सेल्फ, आत्मा को रियलाइज करो। आत्मा है बिंदी समान, कईयों ने साक्षात्कार भी किया है, वर्णन करते हैं छोटी सी लाइट उनसे निकल हमारे में प्रवेश हो गई। अच्छा, इससे फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ। नारद और मीरा भक्ति में थीके गाए जाते हैं, भल साक्षात्कार होते हैं, परंतु सीढ़ी उतरनी होती है ना। फायदा अल्पकाल के लिए होता है। अभी तुम बच्चे आत्म अभिमानी बने हो, जानते हो आगे हम देह अभिमानी थे, अब यह है नई बातें, आत्मा पढ़ रही है। यह तो एकदम पक्का कर देना चाहिए, बाबा हमको पढ़ाते हैं।
यह तो पहला पक्का निश्चय हो जाए, आत्म अभिमानी बनना है। आधा कल्प आत्म अभिमानी बनते हैं, फिर आधा कल्प देह अभिमानी बनते हैं। सत्युग में आत्मा को यह शुद्ध अभिमान नहीं है कि हम परमात्मा को जानते हैं। शुद्ध अभिमान और अशुद्ध अभिमान होता है ना? कर्तव्य भी शुभ और अशुभ होते हैं। कहा जाता है शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। बाप कहते हैं, मैं तुमको कितना अच्छा बनाता हूँ, तुम पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया का मालिक बनोगे। इन जैसा शुभ कार्य कोई हो नहीं सकता। तुम पावन थे, अब घड़ी घड़ी बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। अपने को आत्मा समझ बाप से पूरा लव रखना है। आत्मा का संबंध ही एक बाप से है। वह बैठ पढ़ाते हैं। यह प्रैक्टिकल अनुभव की बात है। बेहद के बाप से हम बेहद स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बाप भी कहते हैं, हे मीठे मीठे बच्चों, आत्माओं को कहते हैं। आत्मा इन कानून से सुनती है। तुम समझते हो आज हमको कौन मीठे मीठे बच्चे कह रहे हैं? मीठे मीठे बच्चे, बाप का बच्चों पर लव रहता है ना? बहुत खुशी से बच्चों की पालना करते हैं। यह भी बच्चों का बेहद का बाप है। आत्मा कहती है, हम शरीर के ऑर्गन्स द्वारा सुनाता हूँ। अज्ञान काल में बाप बच्चों को कितना लव करते हैं, जानते हैं। यह वारिस है, इन्हों को हम लायक बनाता हूँ जिससे बहुत सुखी बने, अच्छा वर्षा पाए। कहते हैं ना, बच्चे जीते रहो, सुखी बनो, आशीर्वाद निकलती रहेगी, बच्चा सदैव सुखी हो। परंतु वह तो सदा सुखी हो न सके। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको आशीर्वाद दे रहे हैं, सदा सुखी रहो, मुझे याद करो। बाप कितना प्यार प्रेम नम्रता से बैठ समझाते हैं। बाप बच्चों का सर्वेंट है ना? कितने बच्चों की चाकरी करनी होती है। माँ मर जाती है तो बाप को सब कुछ बच्चों का करना पड़ता है। यह बाप कितना बच्चों को प्यार से समझाते हैं। अपने पैरों पर खड़ा होना है। हे आत्मा, तुमको बाप से वर्षा लेना है। देह का भान छोड़ अपने को आत्मा समझो। यह बड़ी भारी सबक पाठ है। बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, कहते हैं बाबा को याद करना भूल जाते हैं। याद अक्षर बड़ा सहज है। योग व निष्ठा आदि यह शास्त्रों के अक्षर है। बाप कितना सहज बतलाते हैं, सिर्फ याद करो। बाप को देखने से बड़ी खुशी होनी चाहिए। हमारे जैसा बाबा दुनिया में किसी को नहीं मिलता। तुम जानते हो हम आत्मा पतित बनी थी, अब बाप पावन बनाते हैं। इसलिए पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। बाप को याद करने के सिवाय और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। इसका नाम ही है सहज याद, सहज ज्ञान। यह भी बच्चे समझ गए हैं। बाप सत है, चैतन्य है, उनकी आत्मा ज्ञान का सागर है।
ज्ञान की अथॉरिटी है, यहाँ मनुष्यों की महिमा होती है। फलाना शास्त्रों की अथॉरिटी है, यहाँ बाप कहते हैं मैं ही सभी वेदों शास्त्रों को जानता हूँ, अथॉरिटी हूँ। भक्ति मार्ग में चित्र भी दिखाते हैं, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, उनको फिर शास्त्र दिए हैं, ब्रह्मा द्वारा सब वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। बाप सभी बातें अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। अब ब्रह्मा तो है सूक्ष्म वतन में, भगवान हो गया मूल वतन में। अब सूक्ष्म वतन में किसको ज्ञान सुनाएंगे? जरूर यहाँ आकर सुनाएंगे ना? यह बड़ी समझने की बातें हैं। ब्रह्मा द्वारा सब शास्त्रों का सार भगवान कहाँ सुनाएंगे? सुनाने की बात तो यहाँ होती है। अभी तुम प्रैक्टिकल में जानते हो कैसे भगवान आकर ब्रह्मा द्वारा हमें सुनाते हैं। बच्चों को तो अतः खुशी होनी चाहिए। मनुष्य 5-10 लाख कमाते हैं, कितनी खुशी होती है। यहाँ बाप बैठ तुम्हारा खजाना भरते हैं, कहते हैं मुझे याद करो तो तुम सोने जैसा बन जाएंगे। यह भारत सोने की चिड़िया बन जाएगा। जानते हो बाबा मूल वतन से आकर ब्रह्मा द्वारा हमको शास्त्रों का सार समझा रहे हैं, सब राज समझाते हैं। उस योग तप दान पुण्य आदि से मुक्ति को कोई नहीं पाता है। मनुष्य समझते हैं इन सब रास्तों से हम मुक्ति में जाते हैं। अगर ऐसा होता तो फिर पतित पावन बाप को आने की क्या दरकार? अगर वह वापस जाने का रास्ता होता तो कोई जाते ना? दुनिया में मनुष्यों की अनेक मत हैं। अब बच्चों को बाप ने समझाया है वापस कोई भी जा नहीं सकते। बाप कहते हैं मैं इन द्वारा सब वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ। इसने भी बहुत गुरु किए हैं, पढ़ा लिखा है। बाप कहते हैं इन सबको भूल जाओ, पतित पावन तो परमपिता परमात्मा को ही कहेंगे। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप वृक्षपति चैतन्य है, आत्मा ही सब चैतन्य है। तुम जानते हो हम मूल वतन में जाकर फिर आएंगे पाठ बजाने, आधा कल्प सुख का पाठ बजाएंगे। सारा मदार पढ़ाई पर है, जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। यह पढ़ाई बहुत ऊंची है, एम ऑब्जेक्ट ही है नर से नारायण, मनुष्य से देवता बनने की। जब आदि सनातन देवी देवता धर्म है तब कोई हिंसा होती नहीं, वहां विकार की बात होती नहीं, न कोई लड़ाई झगड़ा होता है। अभी तुम समझाते हो कि जब अनेक धर्म हैं तो भाषाएं भी अनेक हैं, सबकी एक भाषा हो नहीं सकती। अब अद्वैत धर्म तुम्हारा स्थापन हो रहा है, अद्वैत व देवता एक अक्षर हो जाता है। अभी तुम देवता धर्म के बन रहे हो। गीत भी है ना, बाबा हम आपसे 21 जन्मों के लिए सारे विश्व की बादशाही लेते हैं। वहां ऐसे कोई नहीं कहेंगे कि यह हमारी स्पेस है, यहां से तुम पास ना करो। यहां तो
एक दूसरे को डराते रहते हैं, बैठे बैठे लड़ने झगड़ने का भूत आ बैठा है। तुम बच्चे जानते हो, हम श्रीमत पर अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। हम विश्व के मालिक बनते हैं। हम होंगे भारत में ही, दिल्ली के आसपास ही नदियों पर होंगे। वहां सदैव बाहरी मौसम होती है, सदा सुखी रहते हैं। प्रकृति भी सतो प्रधान होती है ना? तुम समझ सकते हो हम कैसे दैवी राज्य स्थापन कर रहे हैं फिर से। तो बच्चों को बाप की याद में बड़ा खुशी में रहना चाहिए। निरंतर याद करो और कोई तकलीफ नहीं दी जाती। इसमें ही मेहनत है। घड़ी घड़ी बाप की याद भूल जाती है। देह अभिमान में आने से उल्टा काम कर लेते हैं। पहला विकार है ही देह अभिमान का। यह तुम्हारा बड़ा दुश्मन है। देही अभिमानी न होने के कारण फिर काम आदि विकार डस लेते हैं। बच्चे भी समझते हैं मंजिल ऊंची है, पवित्र भी रहना है। तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण, करोड़ों को भो भो करते रहो। कछुए का मिसाल भी यहाँ तुमसे लगता है। बाप समझाते हैं, भल तुम अपने कामकाज आदि करो, ऑफिस में बैठो। देखो कोई ग्राहक नहीं है तो याद में बैठ जाओ, साथ में चित्र रखे हो, फिर तुमको आदत पड़ जाएगी। हम बाबा की याद में बैठ जाते हैं। युक्तियां तो बाबा अनेक प्रकार की बतलाते हैं। भक्ति मार्ग में चित्र को याद करते हैं। यहाँ यह है फिर विचित्र की याद। यह नई बात है ना? अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करो। नई बात होने कारण मेहनत लगती है, इसमें प्रैक्टिस करनी होती है। ज्ञान तो मिल गया है, यह भी समझाया है विष्णु से ब्रह्मा कैसे बनते हैं। विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण के 84 जन्मों के बाद वही ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। यह बातें और कोई शास्त्रों में नहीं है। ऐसे नहीं कि विष्णु की नाभि से कोई ब्रह्मा निकलता है। बाप कहते हैं, मैं तुम बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी बनाता हूँ। उसका अर्थ भी तुम जानते हो। यह तुम्हारे अक्षर ही ऐसे गुप्त हैं जो कोई कॉपी कर ना सके। आजकल कॉपी भी करते हैं ना? सफेद पोशधारी भी बहुत बनते हैं, रीस करते हैं। इसमें कोई कॉपी कर ना सके। अभी तुम बच्चे समझते हो जो हम बाबा से रोज सम्मुख बैठ सुनते हैं। बाहर में भी बच्चे समझते होंगे। मधुबन में शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा मुरली चलाते हैं। आत्मा ही बाप को याद करती है। याद से विकर्म विनाश होंगे, क्योंकि जब से विकारी बने हैं पाप करते ही आए हैं, तो जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा है। तमो प्रधान बनते जाते हैं। तमो प्रधान बनने में आधा कल्प लगा है। सतो रजो तमो बनते आत्मा मैली होती है ना? खाद पड़ने से वह खाद जरूर निकालनी चाहिए, नहीं तो बाप की याद के सिवाय आत्मा उड़ नहीं सकती। माया रावण सबके पंख काट देती है। यह भी समझ की बात है। मोक्ष आदि तो
किसको भी मिलता ही नहीं। बुलाते हैं हम पतितों को आकर पावन बनाओ, बस इसमें और कोई बात ही नहीं। बाप शिक्षा देते हैं, तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनेंगे। बच्चों को लिखते भी रहते हैं, बच्चे तुम बाप को भूलने से तमो प्रधान बने हो। अब बाप को याद करो तो सतो प्रधान बनेंगे। सतो प्रधान विश्व का मालिक बनने के लिए बाप को याद करो। तुम्हारी आत्मा में 84 जन्मों का ज्ञान है, 84 का चक्र पूरा किया है। आत्मा में कितना भारी पाठ भरा हुआ है, यह वंडर लगता है। इतनी छोटी आत्मा में कितना पाठ भरा हुआ है। आत्मा कहती है हम 84 जन्म लेते हैं। यह भी अभी तुमको समझ मिली है। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते हैं, बाप अभी समझा रहे हैं। तुम आत्माएं 84 जन्म भोगती हो, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हो, पुनर्जन्म लेते लेते सीढ़ी नीचे उतरते आए हैं। अब फिर सतो प्रधान बनकर राज्य करना है तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा हमको बेहद का वर्षा कल्प कल्प देते ही हैं। तुम बच्चों को अब पहचान मिली है। तुम जानते हो हम माला के दाने बनते हैं जो फिर नंबरवार राज्य करेंगे। वहां के राजधानी की जो रस्म रिवाज होगी वही फिर रिपीट होगी। उनके लिए फालतू ख्यालात करने की दरकार ही नहीं है। यह कैसे होगा, क्या होगा, जैसे राज्य किया होगा वैसे करेंगे। वह साक्षी हो देखना है। चिंतन करने की दरकार नहीं कि क्या होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिखे लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, शुभ कार्य में देरी नहीं करनी है। पवित्र बन बाप से पूरा वर्षा लेना है। अपने को लायक बनाकर अपने पैरों पर खड़ा होना है। एक बाप से पूरा लव रखना है। दूसरा, कामकाज करते एक विचित्र बाप को याद करना है। कोई भी व्यर्थ ख्यालात नहीं करने हैं। सतो प्रधान बनना है, अपार खुशी में रहना है। वरदान, श्रेष्ठ मत के आधार पर मायावी संग दोष से परे रहने वाले शक्ति स्वरूप भव। बच्चों की एक कंप्लेन रहती है कि संबंधी नहीं सुनते, संग अच्छा नहीं है, इस कारण शक्तिशाली नहीं बन सकते। लेकिन श्रेष्ठ मत के आधार पर ज्ञान स्वरूप शक्ति स्वरूप के वरदानी बन अपनी स्थिति को अचल बनाओ। साक्षी होकर हरेक का पाठ देखो। अपने सतोगुणी पाठ में स्थित रहो। सदा बाप के संग में रहो तो तमोगुणी आत्मा के संग के रंग का प्रभाव पड़ नहीं सकता। स्लोगन, कर्म योगी वह है जो कर्म के कल्प वृक्ष की डाली पर बैठ कर्म करते भी उपराम स्थिति में रहे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on
youtube.com/